ये फोटो देखिए आप, ये फोटो आप ताज्जुब करेंगे कहां की है। ये मेरे मोबाइल फोन, मेरे अपने पर्सनल मोबाइल से लिया हुआ फोटो है। एक मरतबा बिल्कुल आपसे एक 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूं। नामपल्ली मदीना कॉलेज का सिग्नल क्रॉस करके जब मैं सुबह के वक्त कार से आगे बढ़ा, ये आदमी अमीर दिख रहा कि गरीब फकीर है कि नहीं है, बुरी हालत में फकीरी। ये आदमी मदीना कॉलेज के आगे फुटपाथ पर बैठे कुछ बुढ़ियों के भगोनों में और उनके बर्तनों में कुछ डाल रहा था। मुझे डाउट आया कि ये गांजा सप्लाई कर रहा है। मैं सोचा कि इसको रोक कर एक दो भैरी मारूंगा और पुलिस के हवाले करूंगा कि कॉलेज वाले जाने वाले बच्चे बच्चों को गांजा सप्लाई कर रहा। मैं कार बाजू लेकर थोड़ी देर रुक गया, जा रहा था मैं आईना उतारा, बोला ये क्या डाल रहा था वहां पे। अब जानते क्या जवाब दिया? बोला मैं उनके बर्तनों में पैसे डाल रहा था। कहीं के पैसे नहीं साहब, उनको खाने को खैरात दे रहा था। मैं बोला भाई तू क्या करता? नामपल्ली का किस्सा सुना रहा हूँ, तू क्या करता? बोला मैं भीख मांगता हूँ। मैं बोला तू भीख मांग के उनको भीख दे रहा? बोला साहब कम से कम मेरे हाथ पैर है मांगने को, गुड़िया कहाँ जाके मांगेंगे। मैं सुबह निकलता हूँ 2-3 घंटे भीख मांगता हूँ, ऊपर वाला इतना पैसा देता जिससे कि 3 वक्त के खाने का पैसा जेब में रखता हूँ, बाकी का इनको रोज बांटते। अब जानते हैं इसमें सबक क्या है? इसके दिल में यह रहम डालने वाला रहमान और रहीम है, वो उन बुढ़ियों को मरने नहीं देगा, इनके जरिए से पालेगा। अगर अमीर गरीब का हक मारकर बैठ जाएंगे तो फकीर फकीरों को पालने लगेगा। ये अल्लाह की शान है।